गुड मॉर्निंग ग्रेट टेन. टुडे विल कंटिन्यू चैप्टर 7. ठीक है, डेफिनेशन हमारी रह गई थी. जिनके पास बुक्स हैं पेज नंबर 177 ओपन कर लें. पेज नंबर 177 के अंदर देखें, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ये क्या होते हैं. इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर. अगर इनका डिटरमिनेंट मैंने आपको क्या बताया था, इसका मोड भी पढ़ते हैं, मोड ऑफ ए. ठीक है, इसको मोड ऑफ ए कहें या डिटरमिनेंट कहें एक ही बात होती है. कह रहे हैं डिटरमिनेंट अगर इस मैट्रिक्स का क्या आएगा, जीरो आएगा. ठीक है, जीरो आएगा तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नॉन सिंगुलर. अब यहाँ देखें डिटरमिनेंट कैसे मालूम करते हैं, प्रिंसिपल डायगनल को मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 3 4 15, देन माइनस साइन, उसके बाद नेक्स्ट डायगनल क्या है, 4 एंड 2, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 8. ये 7 आ रहा है, इट मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. ठीक है, मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. एग्जाम्पल 2 देखें, 6 2s are 12 माइनस 4 3s are 12, 12 12 कैंसिल हो जाएगा 0, इट मीन्स के मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू 0, सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया. ठीक है, अब आपने प्रीवियस सेशन के अंदर डिटरमिनेंट मालूम करना भी सीख लिया, एडजॉइंट ऑफ ए भी सीख लिया. ठीक है, ए इनवर्स निकालना भी सीखा, ए इंटू ए इनवर्स किस तरह से निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमने सीखा था बेटा सेकेंड लास्ट क्लास में, डिटरमिनेंट निकालना सीखा था लास्ट क्लास में, हमने ए इंटू ए इनवर्स को प्रूफ किया था, वेरीफाई किया था. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप 7.4 आपका क्लास वर्क स्टार्ट होगा. ठीक है, 7.4 एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे. ठीक है, 7.4 देखें, क्वेश्चन 1 है, इवेलुएट डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ये आपको ए बी सी मैट्रिसेस गिवन है, पार्ट ए के अंदर मैट्रिक्स गिवन है 5 4 3 2. अब आपको इसके डिटरमिनेंट को इवेलुएट करना है. ठीक है, किस तरह डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 by 2 is 10, फिर माइनस, फिर 4 by 3 is 12, तो माइनस 12 में से 10 माइनस करेंगे तो -2 आंसर आएगा. इसी तरह से आप ये वाले डायगनल में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर इन डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो डिटरमिनेंट होगा. ठीक है, डिटरमिनेंट्स मालूम करने हैं ग्रेड 10. ठीक है, ये आप खुद मालूम करेंगे, विच ऑफ दी मैट्रिसेस गिवन बिलो. अगर ये नहीं आपको आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसका आंसर. मैंने आपको सब सॉल्व करके सिखाया बताया, आप एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, जिस जो पार्ट आपको समझ नहीं आता वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. विच ऑफ दी मैट्रिसेस गिवन बिलो आर नॉन सिंगुलर. अब आपने इनमें से बताना है कौन से नॉन सिंगुलर हैं. देखें, अब आप इसके डिटरमिनेंट चेक करें, 2 6 are 12, 4 3 are 12, 12 कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये नॉन सिंगुलर होगा. इसको भी चेक कर लें, 4 10s are 40, माइनस माइनस प्लस 40, देन माइनस, 8 5s are 40, प्लस माइनस 40 कैंसिल, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. ठीक है, ये आप खुद करेंगे. ए बी मैंने यही करवा दिया सॉल्व, बी सी बी डी आप खुद करेंगे. ठीक है, इसके क्योंकि आप ग्रेड 10 हो बेटा, सीनियर क्लास हो, जहाँ डिफिकल्टी हो मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ये सब आपने खुद करना है, इट्स योर प्रैक्टिसिंग वर्क. ठीक है, मैंने सारे इसके एग्जांपल्स सब आपको सॉल्व करवाई, बताया, वेरीफाई तक करवाया, अब आपने एक्सरसाइज खुद करनी है. जहाँ आपको जहाँ भी डिफिकल्टी हो आपसे सॉल्व ना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं. क्वेश्चन 3 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस गिवन इन द क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में आपको गिवन है पेज नंबर 179, आपको मैट्रिसेस गिवन है, ये कह रहा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस निकाल लें. ये मैट्रिसेस जो ए बी सी डी आपको गिवन है, इसके एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट का क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट निकालना भी मैंने आपको सिखाया है बेटा ग्रेड 10. ठीक है, कौन से सेशन में, सेकेंड लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था इसको, और लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, आपको क्वेश्चन 2 के अंदर मैट्रिसेस गिवन है, आपको इसको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट आप किस तरह से निकालते हैं, मैं दोबारा इसको आपको रिव्यू कर रही हूँ. एडजॉइंट के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये दोनों डायगनल हैं, इन डायगनल की प्लेस चेंज करोगे, और प्रिंसिपल डायगनल कहते हैं इसको, यानी 2 की जगह 6, 6 की जगह 2 आ जाएगा. ठीक है, और ये वाले जो डायगनल है, ठीक है, इस डायगनल की साइन चेंज हो जाएगी, -3 4, ये निकल आएगा एडजॉइंट ऑफ इज दिस मैट्रिक्स. अब बी सी डी के एडजॉइंट आप खुद निकालेंगे. ठीक है,
ठीक है बेटा, इसके बाद देखें, फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आप इसके इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। अब इनवर्स के लिए कह रहा है एग्जिस्ट करते हैं, यानी एग्जिस्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले तो आप इनवर्स देखें। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स होता है मैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स करना। जैसे ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, अब आप इसका इनवर्स करोगे, ठीक है। अब आप इसका इनवर्स करोगे, इनवर्स किस तरह से करोगे आप इसका, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, सही है, ए इनवर्स। अब आपने इस मैट्रिक्स को इनवर्स करना है तो इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, फिर एडजॉइंट निकालोगे, फिर एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कर दोगे, तो इस तरह क्या निकल आएगा, इस तरह ए इनवर्स निकल आएगा, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकल आएगा, ठीक है। सिर्फ इनके इनवर्स मालूम करने हैं, ठीक है। ठीक है, ग्रेड 10। अगर आपको नहीं आएगा बेटा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद है वेरीफाई द फॉलोइंग। मैंने लास्ट सेशन में ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स आई ये सॉल्व भी प्रूफ किया था, वेरीफाई किया था, यहाँ आपने खुद प्रूफ करना है, ठीक है। ए बी सी, अच्छा इसके बाद है जहाँ भी आपको डिफिकल्टी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगी, लेकिन आप पहले खुद करें। इसके बाद है पार्ट डी, क्योंकि ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, सॉल्व करवा चुकी हूँ, अभी आपकी प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइज है, आपने खुद करनी है, ठीक है। बी के अंदर भी कह रहा है कि देन बी आई, बस यहाँ तक कीजिएगा वेरीफाई, ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है। बी सी, बी सी रहने दीजिए, बी सी हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। डी पार्ट देखें, बी सी डी पार्ट हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ कहाँ तक करेंगे? आप सिर्फ ए पार्ट तक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 टिल पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन 5, ठीक है। क्लियर है ग्रेड 10? कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको दो सेशन से होमवर्क नहीं मिला, ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है, ठीक है। ये सब मैं आपके इसकी सारी एग्जाम्पल सॉल्व करवा चुकी हूँ, इसलिए प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। जहाँ भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। क्लास वर्क कॉपीज़ में करना है, ये भी याद रखिएगा, ये सब काम क्लास वर्क कॉपीज़ में होगा।